हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम। मेरा नाम है वजह। तो यार भगवान शिव जी टेस्ट करने पहुंच गए हैं कार्तिकेय जी को, और भाई बोल रहे कि काश ये शिवलिंग मैं अपने हाथों से बना सका। आगे देख के आगे होता है क्या। तो स्टार्ट शिवलिंग आप ले जाइए, इससे आपकी शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आप महादेव की सेवा भी कर पाएंगे। किंतु तुमने तो ये अपने लिए बनाया है। जैसे मैंने इसे बनाया है वैसे ही एक और बना लूंगा। और यही भगवान आप इसे ले लीजिए, अपने काम के लिए अपनी चीज को तरजीह दे रहे हैं। किसी पास हो गए, यानी कि जिस तरह योद्धा बन के भी कह रहे थे कि नहीं जीते नहीं जीते, मगर उनमें परिवर्तन आया नहीं। चलो अच्छा है यार। धन्यवाद बेटा। बुरा तो कह ही नहीं सकते, वो थोड़ा सा था कि तर्कसुर को मारने के बाद हमें थोड़ा ये हो गया। ना विचार कर ये कर पाओ, ना विचार कर उनके साथ ये हुआ है ना, उनकी छाप भी छप गई थी। हाँ, वो दिमाग का सुन वो जो भी है, लेकिन बस जैसे भगवान विष्णु जी ने कहा। अनुज, दूसरा शिवलिंग बनाने हेतु शिला ढूंढनी होगी। अब फिर शिला आओ, अब देखो कहाँ मिलती है, मिलती है कितनी देर में, क्योंकि जिसमें आई थिंक टेस्ट में तो पास हो गए। हाँ ये भगवान की जैसा जी, इस परीक्षा में तो तुम सफल हुए हो मेरे पुत्र, किंतु अन्य परीक्षाएं अभी शेष है। अभी और भी परीक्षा, भगवान शिव जी इतनी हार्ड परीक्षा ले रहे हो, वरना और उनकी तो एक ही दफा ली जाती है यार। परीक्षा अन्य परीक्षा मतलब और भी बहुत सारी। मैं जानता हूँ तुम चाहते हो कि मैं शीघ्र ही अपना प्रायश्चित पूरा करके भगवान करने कैलाश लौटा। नहीं नहीं भैया, माँ पिताजी दीदी सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें क्या करता गणेश, उनकी आवश्यकता उनकी विवशता देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की जरूरत को तरजीह तो उचित था, इसलिए तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। चलिए अब शिवलिंग हेतु शीघ्र ही दूसरी शिला ढूंढते हैं। अभी तो कार्तिकेय जी और भी परीक्षा लेनी, आप देखो और क्या भगवान शिव जी लेते हैं, दूसरा शिवलिंग लेने के लिए आ गए। हो सकता है भाई ये बनाते जाए और वो लेते जाए, कि कब तक वो पता नहीं कब तक लेते हैं और कैसे भी पास हो। आपका अनुमान सही था भैया, यहाँ तो हर प्रकार की शिलाएं हैं। अब हमें इनमें से शिवलिंग हेतु उत्तम शिला का चयन करना है। मतलब बहुत सारी है। दूर हो जाओ मेरी शिलाओं से। ये तो भगवान शिव जी ना, लेकिन अब कौन से रूप अब कौन है? ये पहले भी आ स्वामी हूँ मैं इस पहाड़ी का, ये सभी शिलाएं मेरी है। यदि तुमने मेरी किसी भी शिला को स्पर्श करने का प्रयास किया तो नष्ट कर दूंगा मैं तुम्हें। वो तो हमें समझ आ गई थी, ये कौन सी परीक्षा है? बात ये है कि भाई हाथ नहीं लगाना मेरे पत्र, हाथ तो नहीं लगाना लेकिन हमें क्षमा कीजिए, हमसे भूल हो गई, कृपया हमें एक शिला ले जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। कदापि नहीं, तो यदि तुम्हें शिला की इतनी ही आवश्यकता है ताओ युद्ध करो मुझसे। युद्ध करते हैं यदि तुमने मुझे युद्ध में पराजित कर दिया
तो ये सभी शिलाएं तुम्हारी। योद्धा को फौरन गुस्सा आता है और हमें शिवलिंग बनाने हेतु केवल एक शिला की आवश्यकता है और वो युद्ध करने के लिए आगे आ जाता है गुस्से में। किंतु उसे प्राप्त करने के लिए हम आपसे युद्ध नहीं अभी तो निवेदन करते हैं। यदि तुम युद्ध नहीं करना चाहते भाई तो तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों के उत्तर यदि तुमने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शिला ले जाओ। सवालों के जवाब देने तुम तो उत्तर सही नहीं हुए तो तुम्हें शिला बनकर यहीं रहना होगा। अब भगवान शिव जी कौन से सवाल पूछेंगे तो भगवान शिव जी स्वीकार है। किंतु ज्ञात रहे उत्तर वही देगा जिसे शिला से शिवलिंग बनाना। मुझे स्वीकार है शिला से इन्होंने बनानी ना शिवलिंग। पूछे प्रथम प्रश्न। अरे तभी तो उन्होंने बोला कि भगवान गणेश जी फौरन जवाब दे। जीवन में सच्चा साथी कौन है? कौन है? माता पिता। धैर्य। धैर्य सबर। धैर्य ही जीवन का सच्चा साथी है। हाँ अगर सफर रखोगे तो हर चीज आपको आसानी से मिल जाएगी। यानी कि ऐसा कौन साधन है जो हमें सर्वश्रेष्ठ बना किंतु उसे चोरी नहीं किया जा सकता। कौन सा अभी तो उसे खोया अवश्य जा सकता है। चोरी नहीं किया जा सकता खोया जा सकता क्या चीज है? सक्षम व सशक्त बनना प्रशिक्षण का आरंभ अवश्य है किंतु उसका अंत नहीं। कभी भी ये समझने की भूल न करना पुत्र कि तुम सर्वज्ञ हो। कभी भी अपनी योग्यता पर अभिमान न करना। यानी घमंड ज्ञान ज्ञान भगवान ने दिया था ना तो वो क्या था ना क्या मतलब इसके पास ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ बनता है। ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता अपितु हम अपने अहंकार से उसे खो अवश्य सकते उत्तम अति उत्तम। वो क्या है जिसे त्याग के हम सबके प्रिय बन जाते? क्या त्याग के अहंकार ही शक्तिशाली क्यों ना उसे मेरे समक्ष युद्ध बुलाए और कहिए कि मुझे पराजित करके दिखाए। अधिकार बन के वापस अवश्य आता अहम मतलब खुद को अहम अहम का त्याग हमें सबका प्रिय बनाता है। वही होगा कि मैं ही हूं और वो क्या है जिसे खोने के पश्चात हमें दुख नहीं खोने के अभी तो प्रसन्नता होती है। दुख खुशी होती है क्रोध ओ गुस्सा। उत्तम पुरुष कैसे बना जा सकता है? ऊंचे कुल में जन्म लेने से ज्ञान अर्जित करने से या फिर शीतल स्वभाव से? क्या क्या मैंने तुम्हें विकल्प भी दिए हैं बालक उसके पश्चात भी तुम उत्तर नहीं दे पा रहे। अच्छा उन्होंने बोला क्या? शीतलता। शीतलता जिसमें शीतलता नहीं उसका पतन निश्चित है। अति उत्तम अति उत्तम। अंतिम प्रश्न उक्त प्रश्नों के उत्तर में तुमने जिन गुणों का उल्लेख किया उनमें से सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? ज्ञान क्रोध शीतलता। जिसके पास ज्ञान है सर्वश्रेष्ठ अहम का त्याग हमें सबका प्रिय बना जिसमें शीतलता नहीं उसका पतन निश्चित। ज्ञान क्या क्रोध शीतल।
तू क्या कहता है इस बारे में? वही ना, है ना, सब आपको समझो ज्ञान एक तरह से मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया, क्योंकि इन्होंने बोला इन सब में इम्पोर्टेंट तो मेन चीज तो आती है आई थिंक ज्ञान ही होगा। हाँ। क्योंकि ज्ञान इंसान को होता है तो इंसान सब कुछ फिर उस हिसाब से चलता है, सब कुछ आपको मिल जाता है ज्ञान से। बिल्कुल, लेकिन आप देखते हैं आगे इसका बात का रिप्लाई का करते, और यार टेस्टिंग देखना, पहले उन्होंने बूढ़े बनकर उनसे शिवलिंग लिया और दे भी दिया उन्होंने, ठीक है, फिर जब वो पत्थर लेने गए तो आगे भगवान शिव जी फिर कहते पत्थर को तो हाथ ना लगाना। पहले तो हम समझे कि यार अब ये कौन सी परीक्षा, लेकिन जब उन्होंने लड़ने का बोला ना तो हमने कहा आप समझ गए, क्योंकि योद्धा सबसे पहले लड़ने को तरजीह देता है, उन्होंने लड़ने का बोला तो इन्होंने कहा नहीं, और उन्होंने उठाया उठाता है तलवार योद्धा, और इन्होंने तो बोला कि अब हम एक भाई पत्थर लेने आपसे युद्ध नहीं कर सकता, हम आपसे निवेदन, निवेदन मतलब मिनती जो भी है। तो उसमें भगवान शिव जी ने कहा कि जो शिवलिंग से शिवलिंग बनाएगा शिला से तो वही प्रश्न देगा, क्योंकि भगवान गणेश जी को तो पता है, तो जाहिर बात है परीक्षा किसकी हो रही थी करते क्या जी, भगवान गणेश जैसा बुद्धिमान तो कोई नहीं है वो तो उनको भगवान शिव जी को तो पता था, अगर मैंने इन दोनों से पूछा तो भगवान गणेश जी फौरन तो अभी टेस्ट कार्तिकेय जी का था ना मसला ये, लेकिन कार्तिकेय जी पूरे उतर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खुरम तेरी, अभी तक तो पूरे उतर रहे हैं अभी तक, लेकिन अब ये आखिरी सवाल है, देखते हैं कि भाई इसमें आखिर इनकी क्या सिचुएशन है। और अभी तो बोर्ड टेस्ट है आगे, अभी तो इसके अलावा भी और टेस्ट होंगे, अन्य टेस्ट मतलब बहुत सारे टेस्ट देना बाकी है, लेकिन अब ये आगे देखते हैं आगे आखिर होता है क्या। तो